नमस्कार दोस्तों, learner.com में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे किस प्रकार आप अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी को मैनुअल की तरह भी ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए गाड़ी के अंदर सीक्वेंशियल शिफ्ट का होना बहुत जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि उसकी क्या पहचान होती है और किस तरह से आप उसे ड्राइव कर सकते हैं। सीक्वेंशियल शिफ्ट जिन भी गाड़ियों में दिया जाता है, आप उनमें आपको यहाँ पर डी मोड, जो ड्राइव मोड होता है ऑटोमेटिक में, उसके साथ या तो एस के साथ प्लस और माइनस लिखा होगा। किसी किसी गाड़ी में यहाँ पर एम भी लिखा होता है मैनुअल के लिए। तो आखिर ये पर्पस क्या होता है इसका और ये कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि गियर शिफ्टिंग किस प्रकार की जाती है। तो आपको गाड़ी को पहले ड्राइव मोड पर लेकर आना है। तो इस समय आप देखेंगे ड्राइव मोड यहाँ पर दिखा रहा है इंडिकेशन, बट ड्राइव मोड में आप जिस तरह गाड़ी को ऑटोमेटिक चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही चलेगी और ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग होगी। और इसे मैनुअल मोड में लाने के लिए, यानी सीक्वेंशियल शिफ्ट में चलाने के लिए, आपको लीवर को राइट हैंड साइड में लाना पड़ता है। तो अब आप देखेंगे ये लीवर आपका प्लस या माइनस दो वे में मूव हो सकता है। तो जाहिर है कि ये गियर को प्लस या माइनस करने के काम आता है। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा गियर इस समय एंगेज है, उसके लिए इंडिकेशन यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आप देखिए इस समय S4 दिखा रहा है। आप गियर शिफ्ट करके S1 से लेकर ऊपर बढ़ाते जाइए, इस प्रकार आप गियर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें 6 गियर्स आते हैं इनोवा क्रिस्टा के अंदर और आप इसे गाड़ी को एज ए मैनुअल के तौर पर चला सकते हैं। पर आखिर एक ऑटोमेटिक गाड़ी में मैनुअल की ऑप्शन देने का जरूरत क्यों पड़ी, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जिस कंडीशन में आपको, स्पेशली अगर बात करें हम लोग पहाड़ों की, तो हिली एरिया में ड्राइव करते समय गियर शिफ्टिंग आप अपने अकॉर्डिंगली करें तो गाड़ी पूरी आपके कंट्रोल में रहती है। क्योंकि अगर सडन स्लोप आपको कहीं पर मिलता है या सडन हाइट आपको एकदम से चढ़नी पड़ती है, उस कंडीशन में आपको लोवेस्ट पॉसिबल गियर चाहिए होता है। और डी मोड पर अगर आप उसे चलाएंगे तो उसमें गाड़ी को गियर जज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा लैग आता है। उस कंडीशन में आप इसे सिक्वेंशियल शिफ्ट में शिफ्ट कर मैनुअल की तरह चला सकते हैं। आप यहाँ से सिक्वेंशियल शिफ्ट में लाकर फर्स्ट गियर लगा सकते हैं और आपको हाईएस्ट पॉसिबल टॉर्क वहां पर मिलेगा, जिस तरह कि हम मैनुअल गाड़ियों में फर्स्ट गियर लगाकर गाड़ी को चलाते हैं, उसी प्रकार अकॉर्डिंगली आप गाड़ी के गियर्स जो हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों के अंदर ये मोड आपको यहाँ पर सिक्वेंशियल शिफ्ट पैडल शिफ्टर्स की तरह भी मिलता है, जो कि स्टेयरिंग व्हील के नीचे होता है, जहाँ से आप गियर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि आप अपनी गाड़ी को मैनुअल मोड में किस प्रकार चला सकते हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।